गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगर आप ओरेकल डीबीए, ओरेकल डेवलपर और डेटाबेस प्रोग्रामिंग जैसे कोर्सेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए। मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल ओरेकल टेक इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा मॉडल क्या होते हैं और डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का ये मेरा वीडियो लेक्चर 3 है। तो आइए देखते हैं डेटा मॉडल क्या है। तो डेटा मॉडल जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डेटा मॉडल में हम ये सीखते हैं कि डेटाबेस की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। तो डेटाबेस की डिज़ाइनिंग जो है वो 3 तरीके से होती है। एक तो लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं, एक फिजिकल स्कीमा बोलते हैं और एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बोलते हैं। तो लॉजिकल स्कीमा में जो है टेबल्स के कौन कौन से नाम होंगे और उन टेबल्स के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, उनका रिलेशनशिप क्या होगा टेबल का आपस में, वो कॉमन आईडी के थ्रू दो टेबल को आपस में जोड़ते हैं वो, और कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से अप्लाई होंगे। तो इसको लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं। फिजिकल स्कीमा में डेटाबेस जहाँ पर स्टोर होता है, जैसे फाइल सिस्टम, फोल्डर सिस्टम और आपका स्टोरेज डिवाइसेस, उन सब की जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसको फिजिकल स्कीमा बोलते हैं। और व्यू स्कीमा में जो है एंड यूजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में जो है डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं तो उसको व्यू स्कीमा बोलते हैं। तो डेटा मॉडल क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मॉडल, कि डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि डेटाबेस का लॉजिकल स्कीमा वो कैसे तैयार करते हैं, ये हम सीखते हैं डेटा मॉडल में। इट डिस्क्राइब्स द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, यह डिस्क्राइब करता है डेटाबेस की डिज़ाइनिंग के बारे में कि कौन कौन से जो है डेटाबेस, लॉजिकल डेटाबेस की जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें कौन कौन से एंटिटीज़ के नेम होंगे, यानी कि कौन कौन से टेबल्स के नेम होंगे, उनके एट्रीब्यूट्स के कौन कौन से नेम होंगे, उनके बीच में टेबल का टेबल के बीच में जो है रिलेशन जो है किस आईडी, किस कॉमन आईडी से दिखाएंगे और कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से अप्लाई होंगे। तो डेटा मॉडल का पर्पज़ क्या है, तो द पर्पज़ ऑफ डेटा मॉडल इज़ टू प्रेजेंट डेटा। तो डेटा मॉडल क्या करता है, डेटा को प्रेजेंट करता है क्लियर वे में और इसको अंडरस्टैंडेबल बनाता है, यानी कि प्रोग्रामर्स जब भी सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, एप्लीकेशन को डेवलप करेगा तो इसी डेटा मॉडल को स्टडी करके जो है फिर वो कोडिंग लिखेगा और एप्लीकेशन को कंप्लीट करेगा, एप्लीकेशन बनाएगा। तो अब देखते हैं कि डेटा मॉडल को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो डेटा मॉडल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले को बोलते हैं रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। तो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है डेटा मॉडल के अंदर, इसको आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और थर्ड जो है आपका फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल। तो जो फर्स्ट टू है यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल और रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, इन दोनों मॉडल्स को यूज़ करके हम डेटाबेस का जो है कॉन्सेप्चुअल यानी कि लॉजिकल स्कीमा और एक्सटर्नल यानी कि व्यू स्कीमा को डिज़ाइन करते हैं। समझ में आया, मतलब ऊपर के जो दो मॉडल है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, इन दोनों डेटा मॉडल को यूज़ करके हम लॉजिकल स्कीमा
जिसको कॉन्सेप्चुअल लेवल बोलते हैं, और व्यू स्कीमा जिसको एक्सटर्नल लेवल बोलते हैं, इसकी डिजाइनिंग की जाती है, इन दोनों की डिजाइनिंग की जाती है। और जो ऊपर के डेटा मॉडल में जो तीसरा है फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल, द फिजिकल डेटा मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब डेटा एट द इंटरनल लेवल। तो फिजिकल डेटा मॉडल जो है उसका यूज करते हैं हम कि डेटाबेस स्टोर कहाँ पर होगा, यानी कि डेटाबेस के लिए पूरी फाइल सिस्टम क्या होगी, उसके फोल्डर्स कौन कौन से होंगे और हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से होंगे। तो इस तरह की सारी डिजाइनिंग हम फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल को यूज करके करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट डेटा मॉडल, दैट इज रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। तो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हायरार्किकल डेटा मॉडल बोलते हैं, सेकंड नेटवर्क डेटा मॉडल, और थर्ड रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो आइए समझते हैं कि हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या है। तो इट इज़ ए डेटा मॉडल इन विच द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल में डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है अलाउ करता है रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो जब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप के फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इच पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रेन। तो इच पेरेंट के बहुत सारे चिल्ड्रेन होंगे, बट इच चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट। बट जो एक चाइल्ड होगा उसके पेरेंट केवल एक ही होंगे, तो इसी को कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसी को वन टू मैनी का रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक कॉलेज का डेटाबेस है, तो कॉलेज क्या हो गया, एक पेरेंट हो गया। उसके बाद उस कॉलेज में कोर्सेस होंगे, उस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, उस कॉलेज में टीचर्स होंगे। तो कॉलेज जो एक पेरेंट है उसके तीन चाइल्ड हो गए, कौन कौन से, एक तो कोर्सेस, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा जो है टीचर्स। अब जो है कोर्सेस में क्या क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के कोर्स है, मैनेजमेंट के कोर्स है, और एजुकेशन के रिगार्डिंग जैसे बीएड बीएलएड वगैरह के कोर्सेस हैं। तो कोर्सेस में ये इसके तीन चाइल्ड हो गए, कंप्यूटर साइंस के कोर्स, मैनेजमेंट के कोर्स, और बीएड और बीएलएड के कोर्सेस, एजुकेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में मान लीजिए एक एकेडमिक डिपार्टमेंट है, एक एडमिन डिपार्टमेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ये दो चाइल्ड हो गए। और टीचर्स में लेक्चरर है, प्रोफेसर है, तो टीचर के ये दो चाइल्ड हो गए। तो सबसे टॉप पर हमने पेरेंट देखा, तो पेरेंट क्या है, कॉलेज है। उस कॉलेज के तीन चाइल्ड है कोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स, और कोर्सेस के फिर तीन चाइल्ड है साइंस के कोर्स, मैनेजमेंट के कोर्स और एजुकेशन के कोर्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर के फिर दो चाइल्ड है एकेडमिक और एडमिन डिपार्टमेंट, और टीचर्स के फिर दो चाइल्ड है यहाँ पे लेक्चरर और प्रोफेसर। तो हमने क्या किया, पूरे कॉलेज के इंफॉर्मेशन को इस तरीके से पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया। तो इसी को हायरार्किकल डेटा मॉडल कहते हैं। तो दिस मॉडल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट डेटाबेस मॉडल क्रिएटेड बाय आईबीएम इन 1960s। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल जो है डेटाबेस के फील्ड में ये पहला मॉडल था, और इसको जो है डेवलप किया था आईबीएम की कंपनी ने
1960s में नोएडा सेक्टर 62 में आईबीएम की बिल्डिंग है, जहां पर मैं एज ए डीबीए वहां पे वर्क करता हूं। तो इसी आईबीएम ने 1960s में जो है फर्स्ट मॉडल तैयार किया था डेटाबेस में, उसको हायरार्किकल डेटा मॉडल कहते हैं। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल के एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि जब हम रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, तो ये बहुत फास्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप जो है ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड है, ये उसके चाइल्ड है, ये उसके चाइल्ड है। तो रिकॉर्ड को एक्सेस करने में, रिकॉर्ड को अपडेट करने में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है, मान लीजिए कोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कॉलेज के डेटाबेस में जोड़ेंगे, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। और इस तरह के जो है स्ट्रक्चर में अगर हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, इस तरह के डेटाबेस में अगर हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा डेटाबेस फिर से डिफाइन करना पड़ जाए। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल का ये डायग्राम है, और हायरार्किकल डेटा मॉडल में मैंने बताया था कि डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसमें जो है पेरेंट और चाइल्ड नोड के रिलेशनशिप के फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कॉलेज का पूरा एक डेटाबेस है, तो कॉलेज यहाँ पे पेरेंट हो गया, इसके तीन चाइल्ड हो गए, कोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स। फिर कोर्स के तीन चाइल्ड हो गए CSIT, मैनेजमेंट एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी दो चाइल्ड हो गए, एकेडमिक एडमिन, और टीचर्स के भी दो चाइल्ड हो गए, प्रोफेसर और लेक्चरर। तो यहाँ पे कोर्स में अगर CSIT को देखें तो इसके फिर दो चाइल्ड है, BCA, MCA, और मैनेजमेंट में दो चाइल्ड है, MBA, BBA, और एजुकेशन के दो चाइल्ड है, BEd और DLED। तो पूरे कॉलेज के इंफॉर्मेशन को, डेटा को यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। तो इसको देखने से कॉलेज का जो डेटाबेस है, उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है, वो क्लियरली जो है प्रोग्रामर अंडरस्टैंड कर सकता है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग लॉजिक लगा करके पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन तैयार कर सकता है। तो ये था हमारा डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का वीडियो लेक्चर 3, और ये यहीं पर एंड होता है। और जो है वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन पर अगर प्रेस करते हैं तो बीच बीच में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो बाकी का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।